बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिला मुख्यालय के समीप बांसा तारखेड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राहुल सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अजय टंडन, नगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जिसमें विधायक राहुल सिंह ने जनता से कहा कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जनता के कार्य उनके ही घर जाकर करेंगे, और एक साल तक लगातार हमने यह प्रयास लगभग सफल किया है और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आज शाम तक यहीं पर निपटा दी जाएंगी और जो समस्याएं शेष बचेंगी वो 15 दिन के भीतर आपके सचिव के माध्यम से उनको पूरा कर आपके द्वार तक पहुंचा दी जाएंगी। वहीं जिला अध्यक्ष अजय टंडन ने कहा कि माननीय कमलनाथ जी लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार जनता की समस्याओं को निपटाने में लगे हुए। जॉब का पहला दिन और पीरियड्स का भी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पर और एमी सैनिटरी नैपकिन्स पर। जैसे मैं हूँ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये है एक्स्ट्रा लॉन्ग। जैसे मैं हूँ एकदम स्लिम और ये है अल्ट्रा थिन। मेरी ड्राइविंग है रैश फ्री और इसकी केयर भी रैश फ्री, इसलिए हुए ना हम दोनों मैचिंग मैचिंग। एमी सैनिटरी नैपकिन्स 3 times मोर अब्सॉर्बेंसी विद जापानीज जेल टेक्नोलॉजी। अध्यक्ष मछुआ सहकारी समिति आलमपुर, अध्यक्ष महुआ सहकारी समिति आलमपुर विकास, अध्यक्ष कपूर भाई, अध्यक्ष ठाकुर जी और सभी अतिथिगण वहां पहुंच रहे हैं। ये दिव्यांग हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इन पर दया की आवश्यकता नहीं है, इन्हें हमको उत्साह बढ़ाए, शासन की योजनाओं का लाभ इनको मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर माननीय विधायक महोदय स्वयं पहुंचे हैं अपने सभी साथियों सहित। क्या बोला हमने भाई दिया, क्या नाम है, और उन्होंने अपने वचन पत्र में जिसको कि हम लोग राजनीतिक भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं, यह बात कही थी कि हम जनता की समस्याओं का निवारण और निराकरण उनके दरवाजे पर जाकर करेंगे। ये ऐसा प्रयोग जो चालू हुआ या इसका एक प्रथम चरण पूरा हो चुका, दूसरा चरण रणे में हुआ था और उसी चरण में आज हम लोग बांसा में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मेरे ख्याल से 24 घंटे में 18 घंटे जन समस्याओं के निवारण में लगे रहते हैं। तो परेशान रहता है और जब इसका सर्वे और उसका चिंतन आया तो ये पता चला कि आप जैसे लोग जब दमोह जाते हैं और जब दमोह पहुंचते हैं तो किसी कारणवश अधिकारी आपको मिल नहीं पाते, क्योंकि उनके भी अन्य प्रकार के काम लगे रहते हैं। तो ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और आपका आशीर्वाद रहता है तो चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, किसी भी स्तर का अधिकारी और नेता हो, वो आपके ही ग्राम पंचायत जाएगा, सुबह से वहीं रहेगा, दिन भर आपकी समस्या सुनेगा और प्रयास किया जाएगा कि शाम शाम तक वो समस्या वहीं के वहीं हल कर दी जाए। इस उद्देश्य और इस लक्ष्य को लेके ये एक वर्ष से निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। एक नंबर काउंटर लगा हुआ है, आज बाजार का भी दिन है, बहुत से लोग आए होंगे ग्रामीण अंचल से, अपनी सारी समस्याएं आप यहाँ पे लिखवाइए, हमारा प्रयास रहेगा कि शाम शाम तक सारी समस्या हल करे। किसी कारणवश कोई जटिल समस्या है या उसमें कोई टेक्निकल पेचीदगी फंसी हुई है तो निश्चित तौर पर उसको सूची बना के दमोह ले जाएंगे और आने वाले 15 दिन में आपको आपके सचिव महोदय के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे कि समस्या का हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस उद्देश्य और इस लक्ष्य के साथ कि माननीय कमलनाथ जी का ये मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे लाभ पहुंचा पाए, उसी लक्ष्य को लेके कि हमने निरंतर एक वर्षों से काम किए हैं, चुना गए थे, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एक अधिकारियों को, एक एक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के ऐसे
कोई काम नहीं रहेंगे जो हमारे द्वारा और कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कोई पेंडिंग होंगे। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी काम में दिक्कत ना आए, सबका सहयोग मिलता रहे।